हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही आसान, कीमा आलू। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो है 1/2 kg मटन मिंस, आप मटन या बीफ दोनों का कीमा यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस में वी नीड लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी। इसके अलावा आपको चाहिए 1 मीडियम टमाटर, 1 मीडियम प्याज और 6 से 7 जवे लहसुन की और थोड़ा सा अदरक कुटा हुआ। 2 कप आप पानी यूज करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए 2 से 3 आलू मीडियम साइज के और 1 शिमला मिर्च और इन पर गार्निशिंग के लिए आप यूज करेंगे धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें। इस वक्त प्रेशर कुकर में आप कीमा ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बेसिकली कीमा मसाला तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हम वो ऐड कर रहे हैं। पानी ऐड करेंगे, टमाटर, प्याज, लहसुन और जो आपके स्पाइसेस थे लाल मिर्च, नमक और हल्दी, क्वांटिटीज मेंशन थी, वो सब आप इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको वेट लगा देंगे 5 से 8 मिनट के लिए। फ्लेम नॉर्मल ही रखेंगे, इसका बहुत हाई फ्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब हम इसे खोलेंगे तो थोड़ा सा पानी होगा, उसको हमने ड्राई कर लेना है कंप्लीटली ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। को कवर करके पकाएंगे ताकि पानी सारा ड्राई हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अब काफी हद तक पानी कम हो गया। तो अब हम इसमें 3 टेबलस्पून बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप ऑयल यूज करें या घी यूज करें। यू कैन सी कि अच्छी तरह से कीमा जो है भुन चुका है। इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी तरह से भूनना है। एंड आप इसके अंदर ऐड करेंगे आलू और शिमला मिर्च। इस पे आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर या सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड कर सकते हैं साथ, दैट इज ऑप्शनल अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं, जरा अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। इसको अच्छे से मिक्स करके अब आप इसमें 1 कप पानी डालेंगे। मेजरमेंट क्या है मैंने आपको दिखा दी है कप की, ठीक है, आपके पास जो अवेलेबल है आप यूज करें, मैंने अंदाजे के लिए डाला है। इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 10 to 15 मिनट्स के बाद जब आप देखेंगे कि सॉफ्ट हो गए आपका आलू और शिमला मिर्च तो आप कवर हटा देंगे। उसके बाद गार्निशिंग के लिए आप इस पे ऐड करेंगे धनिया और हरी मिर्चें। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही आप ग्रीन्स ऐड करते हैं ना तो साथ ही आपकी जो डिश है उसमें खूबसूरती आ जाती है। तो बस 2 मिनट हिलाना, बहुत ज्यादा नहीं हिलाना है, हमें आलू नहीं चाहिए कि टूट जाए इसमें। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही पका लें, और अगर आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो हल्का सा गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, दैट इज टोटली ऑप्शनल, योर चॉइस। और जनाब हमारा कीमा आलू रेडी है, इसको आप सर्व करें गरम गरम चपाती के साथ, होममेड फुल्कास या बाहर की रोटी, वट एवर यू लाइक। और साथ आप इसके लिए सैलड बना लें, मिंट सैलड या कचूमर सैलड। तो ये थी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।